तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओम मित्राय नमो रवय नमो सूर्याय नमो भानवे नमो खगाय नमो पूष्णे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमो मरीचाय नमो आदित्याय नमो सवित्रे नमो अर्काय नमो भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध नमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। क्या बात है, आज जॉगिंग करने नहीं गए? वो तो मैं सुबह ही चली गई थी। वैसे भी आज का जल्दी सनराइज होता है ना, तो मैं जल्दी कर लेती हूँ अपनी जॉगिंग, नहीं तो धूप आ जाती है ना तो बहुत गर्मी लगती है। अरे तो आप ठंडा नींबू पानी पीजिए ना, उससे क्या थोड़ी ठंडक रहेगी। वो तो मैं वैसे भी रोज पीती हूँ, और आजकल कोरोना की वजह से कुछ ज्यादा ही पी रही हूँ। अच्छा क्यों, उससे क्या होता है? उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? रोग प्रतिकारक शक्ति। हाँ, एक्चुअली नींबू में विटामिन सी होता है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। वाह वाह बबीता जी, वाह कितना ज्ञान है आपके पास। अरे क्या आप भी। ओके बबीता जी, हाँ? एक बात आपने महसूस की? कौन सी बात? ये थोड़ा दिन से गर्मी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है नहीं? हाँ ऑफ कोर्स, और 2-3 दिन से तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है। वैसे अहमदाबाद में मुंबई से ज्यादा गर्मी होगी है ना? ज्यादा ज्यादा ज्यादा। अहमदाबाद में हमेशा मुंबई से गर्मी थोड़ी ज्यादा ही होती है। दया भाभी कब वापस आ रही है? क्या पता। जेठा जी आप एक काम करो, आप खुद अब अहमदाबाद जाओ और दया भाभी को लेके आओ। अरे मैं तो तैयार हूँ बबीता जी, लेकिन डर लगता है। किस चीज से? कोरोना से। ये कोरोना काल में मुसाफरी थोड़ी रिक्शी है ना, इसलिए। वरना मेरा बस चला तो मैं तो अभी के अभी प्राइवेट प्लेन लेके जाऊँ और दया को हाथों हाथ उड़ा के लेके आऊँ, और दया के मुंबई आने की खुशी में पूरी सोसाइटी को मीठे मीठे रसगुल्ला खिलाऊँ। नाइस। क्या बबीता जी, बहुत टाइम से आपने रसगुल्ले नहीं खिलाए हैं। अरे उसमें क्या है, मैं आज ही आपको खिला देती हूँ। अय्यर की आंटी को चेन्नई भेजने के लिए मैं आज कुछ रसगुल्ले के डिब्बे मंगवाने वाली हूँ, तो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा मंगवा लेती हूँ। नहीं बबीता जी, आपके हाथ के बने रसगुल्ले में जो बात होती है ना, वो बात ये डिब्बे के रसगुल्ले में नहीं होती है। अरे हाउ स्वीट ऑफ यू। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको मेरे हाथों से बने हुए रसगुल्ले बहुत जल्दी खिलाऊंगी। ओके आराम से आराम से, जब भी आपको फुर्सत हो। गुड मॉर्निंग भाई। कौन है भाई? अब्दुल। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सब खैरियत है ना? है मतलब सब ठीक है ना? हाँ ठीक ठीक भाई ठीक। ओके ओके चल चलो। हाँ बबीता जी कहाँ चले गए? रसगुल्ला बनाने गए क्या? अरे ये अय्यर भाई कहाँ से आ गए? इधर क्या देखता है? कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए भाई। तो फिर क्या बालकनी में खड़े खड़े टाइम पास कर रहा है? हाँ क्यों, दुकान नहीं जाना है? जाना है ना। तो फिर कभी जाएगा? जाऊंगा भाई, जब मेरी मर्जी तब जाऊंगा। मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ ना, तो जब मर्जी हो तब जाऊँ, जब मर्जी ना हो तब दुकान ना जाऊँ। तुझे दुकान नहीं जाना? नहीं जाना जाना बाबू, जाना। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? टाइम पास कर रहा है जाजा जी। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। झटिया तू यहाँ खड़े खड़े टाइम पास कर रहा है? नहीं 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 मैं जा रहा हूँ। एक मिनट सुन इधर, ये क्या है? ये मेरा टूवल है। बाबू चक, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि नहाने के बाद ये टूवल सीधा सुखाने के लिए रख देना चाहिए। ये गीला टूवल ऐसे ही पलंग पे पड़ा था। क्या जेठालाल, इतना छोटा चीज तुमको याद नहीं रहता? यार खड़े खड़े हंस क्या रहे हो? कितनी बार तुम्हें मैंने बोला है नहाने के बाद गीला टॉवल बेड पे छोड़ के मत आया करो। क्या यार भाई, इतनी छोटी सी बात याद नहीं रहती है? चलो 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 चल चल। सॉरी सॉरी बबीता, मैं ये टॉवेल झुका देता हूँ। हाँ। बबीता, तुम आज कुछ भूल रही हो। भूल रही हो? क्यों? चटनी है, सांभर है, इडली है, सब कुछ है। नहीं ऐसे नहीं, आज का दिन क्या है? थर्सडे। बबीता ऐसे नहीं। फिर कैसे है यार? बबीता आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। तुमको पता है आज के दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था? बबीता आज के दिन बहारें खिल उठी थी, मौसम रोमांटिक हो गया था और है ना, मतलब और बहुत कुछ हो गया था। ओके आई एम सॉरी, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। बबीता तुम अभी भी वैसा का वैसा ही हो। बबीता आज के दिन है ना, हम लोग पहली बार डेट पर गए थे। Really? Yeah. Oh my God! तुम्हें याद है? Yes, yes, बबीता। और इतना ही नहीं, उस दिन तुमने कौन से कलर का ड्रेस पहना था यह भी मेरे को याद है। कौन से कलर का? पिंक कलर का ड्रेस पहना था। ओहो, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। हाँ यार मुझे भी याद है। और मुझे ये भी याद है कि हम लोगों ने उस दिन एक ही ग्लास में 2 स्ट्रॉ डाल के जूस पिया था। राइट? एब्सोल्युटली राइट। तुम्हें याद है तुमने मुझे उस दिन क्या कहा था? बिल्कुल याद है, खूब भालोबाशी। यस एब्सोल्युटली राइट। और बबीता तुमको याद है तुमने मेरे को पहली बार क्या कहा था? यस yes? क्या? अरे काना मणितर हैंडसम मैन। It was such a sweet date, है ना? हाँ, बबीता पुराने दिनों का तो बात ही कुछ और है, नहीं? Today is very happy day. इस खुशी के मौके पर आज डिनर करने हम लोग बाहर जाएंगे। No. Why? I think आज हमें डिनर घर पे करना चाहिए। तुम्हें बहुत दिन से वेजिटेबल करी खाना था ना? Right. तो मैं आज तुम्हारे लिए स्पेशल वेजिटेबल करी विद लेमन राइस बनाऊंगी व्हाट से। अरे वाह वाह बबीता, वेजिटेबल करी तो मेरा फेवरेट है। Yes, I know that. और स्वीट में क्या होगा? रसगुल्ले। ओके डन डन बबीता डन। ग्रेट। चलो लेट्स हैव ब्रेकफास्ट फर्स्ट। यस 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 यस। अय्यर ये लो। ओह थैंक यू। आत्माराम का फोन। हाँ आत्माराम बोलो। अच्छा अच्छा, क्या अभी तक नहीं दिया? अरे मैं जेठलाल से बात करता है। ओके हाँ बाय बाय बाय। क्या हुआ? वो जेठलाल ने सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया है। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं दिया तो दे देंगे। वो तो दे ही देगा, लेकिन टाइम पर देना चाहिए ना। मैं अभी जेठलाल से जाकर बात करता हूँ। पर तुम जाके क्यों बात करोगे? क्योंकि बबीता मैं सोसाइटी का ट्रेजरर हूँ। ठीक है बात करना, पर जरा आराम से करना। ओके बबीता मैं जेठलाल के साथ हमेशा आराम से ही बात करता हूँ। ओके ठीक है। हाँ भूलना नहीं, शाम को प्लीज जल्दी आना। ओके ऑफ कोर्स बबीता, आज के दिन में लेट कैसे हो सकता है। यस चलो बाय बाय। बबीता चलो। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। चलो मेरे साथ में। कहाँ? जेठलाल के घर पे। क्यों? तो मेंटेनेंस का चेक कलेक्ट करना है। तो भीड़े जाएगा ना भाई, भीड़े का काम है, हम क्यों जाए। हाँ आत्माराम का फोन आया था, वो कहीं बाहर बिजी है, इसलिए उसने मेरे को कहा कि जेठलाल से मेंटेनेंस का चेक कलेक्ट कर लेना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर जाइए। तो तुम भी चलो साथ में। क्यों? पटला तुम भी तो कमेटी मेंबर है ना। अरे हाँ चलिए चलिए भाई, एक से भले दो। चलो चलो चलो। लो जेठाल तो यही मिल गया। हाँ। क्या हुआ? नहीं नहीं हुआ कुछ नहीं। मैं और अय्यर भाई अभी तुम्हारे ही घर आ रहे थे। क्यों? अय्यर भाई को सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक कलेक्ट करना है तुमसे। अय्यर भाई को? क्यों सोसाइटी का सेक्रेटरी रातों रात बदल गया? नहीं नहीं जेठालाल, सेक्रेटरी चेंज नहीं हुआ है, सेक्रेटरी आत्माराम ही है। तो फिर आप क्यों आ रहे थे चेक मांगने? जेठालाल आत्माराम बाहर गया है और उसने तुमसे चेक कलेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दिया है। ठीक है मैं रात को उसे दे दूंगा। क्यों? अभी देने में क्या प्रॉब्लम है? अरे अभी आप देख रहे हैं ना अय्यर भाई, मैं दुकान जाने के लिए घर से निकल चुका हूँ। अभी काम है, एक माला चढ़ के वापस ऊपर जाऊँ, चेक बनाऊँ, रात को उसे दे दूंगा भाई। तो जेठालाल तुमको कहाँ 20 माला चढ़ कर जाना है? अरे एक माला ही तो जाना है, 2 मिनट में चेक लेकर आ जाएगा। अरे लेकिन आपको इतनी क्या घाई है चेक लेने की? जेठालाल आजमार हमने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और मेरा ऐसा है ना कि जब तक मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं कर दूं तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ता है। अच्छा हाँ, दे दो जेठालाल चेक दे दो। अरे तू शांति रखना भाई, तू क्यों खाम का बीच में फुदक रहा है? मैं कहाँ फुदक रहा हूँ, मैं शांति खड़ा हूँ। हाँ तो बस शांति खड़े रहो। क्यों मैं क्यों शांति खड़ा रहूँ? अरे क्योंकि सोसाइटी के मेंटेनेंस के चेक से तुम्हारा क्या लेना देना? अरे क्यों लेना देना नहीं है भाई, मैं गोकुलधाम सोसाइटी की कमेटी का माननीय मेंबर हूँ। तो तुमसे मेंटेनेंस का चेक मांगना मेरा भी अधिकार है। तो इतने साल तक वो अधिकार कहाँ छुपा के रखा था? आज तक तो कभी नहीं आया तुम चेक मांगने मुझसे। नहीं आया तो नहीं आया। तो कोई भी नेक काम शुरू करने की शुभ शुरुआत हम कभी भी कर सकते हैं। हाँ जेठालाल चेक दे दो। नहीं दूंगा, क्या कर लोगे? जेठिया क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं चाचा जी, विनय दरअसल बाहर गया है तो उसने अय्यर भाई को कहा है कि जेठालाल से मेंटेनेंस का चेक ले लेना। तो अय्यर भाई जेठालाल से मेंटेनेंस का चेक मांग रहे हैं लेकिन जेठालाल बोल रहा है कि मैं नहीं दूंगा। क्यों जेठिया मना क्यों कर रहा है? चाचा जी वो बोल रहा है कि मैं दुकान जाने के लिए निकल गया हूँ, अभी काम है, 1 माला ऊपर चढ़ेगा, वहां जाकर चेक बनाएगा, वापस 1 माला नीचे उतरेगा, फिर तुमको चेक देगा, ऐसा बोल रहा है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं जेठिया, मैं चेक बुक लेके नीचे आता हूँ, तू नीचे ही चेक लिख के अय्यर को दे दे। हा? अरे नहीं नहीं बापू जी आप कहाँ नीचे? आता हूँ मैं, ऊपर आता हूँ। तो हमेशा ये मेंटेनेंस का चेक देना भूल क्यों जाता है? पता नहीं बापूजी, मैं हमेशा नक्की करता हूँ कि इस बार मैं बिल्कुल भूलूंगा नहीं, लेकिन जब भी ये चेक देने की तारीख आती है ना, पता नहीं ये बात दिमाग से निकल ही जाती है। बोल अभी एक काम कर, तेरे मोबाइल में अलार्म ही रख दे, तो क्या है ना तेरा मोबाइल ही तुझे याद दिलाएगा। हाँ ठीक, मैं निकलता हूँ। हाँ ये तो मैं रख देता हूँ, तू क्या देना। हाँ ठीक है मैं रख दूँ। ले लो। थैंक यू। देखा कितना टाइम लगा। अरे तू शांति रखना भाई, मैं तो शांति खड़ा हूँ। ओ की हाल है यारो, सुबह सुबह महफिल। गुड मॉर्निंग जेठा ब्रा, गुड मॉर्निंग पप्पू, गुड मॉर्निंग अय्यर ब्रा। गुड मॉर्निंग। ओ चलो यारो, ओ मैं अपनी गड्डी में तुम सबको अपने अपने काम की जगह पे छोड़ देता हूँ। हाँ चलो चलो, नेकी और पूछ। अरे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, चलो। हाँ चलो चलो जेठालाल। नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ छोटी, तो इन दोनों को लेकर निकल। क्यों जेठाप्रा? हाँ जेठालाल क्या हुआ? भाई सोडी फ्री में तुम्हें दुकान तक छोड़ रहा है तो रिक्शा के पैसे क्यों खर्चने हैं? मुझे मेहता साहब से थोड़ा काम है भाई। मेहता साहब से क्या काम है? अरे तुमको क्या इतनी पंचायत है भाई, वो तुम्हें फ्री में छोड़ रहा है ना तो तुम निकलो ना। ओडलाल जेठालाल को उसके हाल पर छोड़ दो, चलो। हाँ ठीक है चलो सोडी। अरे चलो बोल के जाओ, खड़े क्यों हो भाई? अरे भाई तुम्हें मेहता साहब से काम है ना, तो देख तो लो मेहता साहब घर पर है कि नहीं। अगर वो ऑफिस के लिए निकल गए हो तो तुम हमारे साथ चल सकते हो ना। नहीं मेरी बात हुई उनसे, वो घर पे ही है। अच्छा तो ठीक है हम लोग निकलते हैं। हाँ तो निकलो। नहीं तुम बड़े हो पहले तुम। चल छोड़ी। अरे निकलो भाई, क्या हुआ? बेल नहीं बजानी है? बजाऊंगा। किसी का बैल बजाते हुआ देखा नहीं क्या कभी? नहीं देखा है ना, बहुत देखा है। चलो चलो भाई चलो। अरे बजा रहा है? जेठा भाई आप घंटी बजा रहे थे? हाँ हाँ वो अभी मैंने घंटी बजाई। अरे इतने जोर जोर से क्यों बजा रहे थे घंटी? मैंने तो एक ही बार बजाई थी, बहुत बजी क्या? हाँ 4-5 बार बजी, टिंग डोंग टिंग डोंग टिंग डोंग टिंग डोंग टिंग डोंग ऐसे। मैंने तो एक ही बार बजाई। एक ही बार बजी नहीं? हाँ भले आपकी बेल भी अभी एक बार बजाई तो एक ही बार बजी, मैंने एक बार बजाई तो 4-5 बार बजी। कमाल है आपकी एक घंटी बेल। मुझे लगता है बीच में वोल्टेज हाई हो गया होगा। कभी कभी ऐसा होता है, वोल्टेज हाई हो जाता है ना तो घंटी अगर एक बार बजा ऐसा 4-5 बार बज जाती है वो। शायद हो सकता है। चलो मैं निकलता हूँ। जेठा भाई ये तो बताइए आपने घंटी क्यों बजाई? अरे हाँ ले वो बराबर, वो मैं दुकान जा रहा था तो मैंने सोचा अगर मेहता साहब रेडी हो तो फिर साथ में चलते। ओह अच्छा, नहीं नहीं तारक तो आज जल्दी सुबह ऑफिस निकल गए। अच्छा ठीक है फिर मैं निकलता हूँ। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। जेठा भाऊ दया वही कब आ रही है? क्या पता बहन, दया वही नहीं होती है ना तो मुझे सब्जी बेचने में बहुत मजा आता है। अच्छा ऐसा क्या करती है वो जरूरत से ज्यादा ही सब्जी खरीदती है। हाँ भाई वो तो है, वो तो साक्षात अन्नपूर्णा है ना। हाँ और जब भी सब्जी खरीदने आती है ना बहुत मजाक मस्ती करती है। ए वो उनका है ना ये हेलो। हाँ दया भाभी है ही ऐसी, वो होती है ना तो महिला मंडल का मन लगा रहता है। वैसे कब आ रही है दया भाभी? वो वैसे तो पिछले साल ही आ जाने वाली थी लेकिन फिर कोरोना आ गया, फिर लॉकडाउन हो गया और अभी वो आऊं कर ही रही थी कि फिर से कोरोना बढ़ गया। तो अभी मैं तो कहता हूँ हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना जाए तो दया आए। जेठा जी ये कोरोना बहुत जल्दी जाएगा और दया भाभी भी बहुत जल्दी यहाँ पे वापस आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग कमल भाभी। क्या बात है जेठा भाई आज आप सब्जी लेने आ गए? अरे नहीं मैं तो दुकान जा रहा था, सुनीता ने रोक लिया। मतलब वो बेचारी पूछ रही थी कि दया कब आ रही है। अरे हाँ दया भाभी कब आ रही है? जेठा भाई कभी आ रही है? अब मैंने भी अभी इनसे यही पूछा तो उन्होंने बोला कि कोरोना खत्म होते ही दया भाभी आ जाएगी। अरे जेठिया तो अभी तक दुकान नहीं गया? नहीं बस जा ही रहा हूँ बापू जी, जा ही रहा हूँ। ओके जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। ओके मैं चलता हूँ। ओके 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 बाय ओके। अरे ये फ्री है क्या? ओके बबीता जी, ओके बापू जी। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। क्या बात है सुनीता, तू बड़ी खुश लग रही है। हाँ। आज पूरे 5000 की लॉटरी लगी है मुझे, 5000 की। थैंक यू थैंक यू। अब तो ये बता ये 5000 रुपए का करेगी क्या? ये जीते हुए पैसे से और लॉटरी की टिकट खरीदूंगी, फिर और पैसे जीतूंगी, बहुत पैसा होगा, फिर ये सब्जी वगैरह बेचना छोड़ दूंगी। मैं सुनीता तू कब से इन चक्करों में पड़ गई? हाँ सुनीता इन सब चीजों में पैसा वेस्ट मत करो, मेहनत करोगे ना तो ही कुछ मिलेगा। हाँ सुनीता भले ही किस्मत बीच बीच पे चमकेगी लेकिन मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मेहनत हमेशा करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे सच्चाई का प्रमाण होता है। हाँ बराबर है, मैं भी मेहनत पे ही विश्वास रखती हूँ लेकिन ये अचानक से 5000 रुपए आ गए ना तो दिमाग खराब हो गया। बराबर बोली, लेकिन मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी। गुड। अब सुनीता मुझे टमाटर, आलू, गोभी, कैरेट और फ्रेंच बीन्स देना। लगता है आज दोपहर को कुछ स्पेशल बनने वाला है। दोपहर को नहीं रात को। रात को मैं अय्यर के लिए स्पेशल वेजिटेबल करी और लेमन राइस बनाने वाली हूँ। लगता है कुछ स्पेशल है आज। वो तो है। एक्चुअली आज के दिन पहली बार मैं और अय्यर डेट पे गए थे। एक नई सुबह की शुरुआत, नए उमंग, नए उत्साह के साथ। सुबह के सूरज की किरणें जब आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा उत्साह और ढेर सारी खुशियां लेके आती है। तो एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में यदि जेठालाल को बबीता जी के दर्शन हो जाए तो फिर कहना ही क्या। वैसे आज का दिन बड़ा विशेष है, बड़ा खास है। आज के दिन अय्यर और बबीता की पहली बार मुलाकात हुई थी और इस विशेष दिन को और विशेष बनाने के लिए बबीता जी अय्यर के लिए खास डिनर बनाने वाली हैं। लेकिन अब क्या ये डिनर खुशियां लेके आएगा? क्योंकि जीवन है जिसका नाम परिस्थितियां बदलना है, उसका काम तो अब क्या होता है, क्योंकि जहाँ बबीता जी है वहाँ जेठालाल है और फिर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो क्या ये डिनर खुशियां लाएगा या फिर कोई नई प्रलय लेके आएगा, ये जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।